तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि वेक्टर्स होते क्या हैं, वेक्टर्स की एप्लीकेशन क्या होती है और कैसा क्वेश्चन इनका क्लास 12th में आता है और आपको इनको सॉल्व किस तरीके से करना होता है। बिल्कुल बेसिक से बच्चों मैं आपको सिखाकर चलूंगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें जिस तरीके की कमियाँ रहेंगी आप मुझे जरूर बताएंगे, जैसे कि मैं एक और वीडियो उसको इरेडिकेट करने के लिए बना पाऊँ। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास, बेटे हमारे पास ये वर्ड वेक्टर्स अपने आप में बहुत ही ट्रिकी वर्ड बन जाता है, क्योंकि ये वेक्टर अपने अंदर दो चीजें रखता है। एक वेक्टर के ऊपर देखो, ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ए के अंदर तीन चीजें हैं। एक वेक्टर ए, एक है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक है इस वेक्टर की डायरेक्शन। तो बेटे जब हम किसी वेक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर उसकी कोई वैल्यू और उसकी कोई डायरेक्शन होती है। किसी भी वेक्टर के लिए समझ के चलेगा, सपोज मैं बहुत छोटे से एग्जांपल से लेके चल रहा हूँ आपके पास में। मैंने कहा भाई, एक डायरेक्शन मेरे पास एक्स एक्सिस है और एक डायरेक्शन मेरे पास वाई एक्सिस है। तो मैं अगर आपसे कहता हूँ कि भाई मेरे पास कोई पॉइंट है 2,3 या x1,y1, तो आप ये मुझसे बोलोगे एक्स एक्सिस में चले जाओ सर आप x1 और वाई एक्सिस में आप चले जाओ y1। तो x1,y1 आपके पास वो पॉइंट हो गया जिसको आप लोकेट करना चाहते हो। ये पॉइंट है ए पॉइंट। सेम ऐसे ही एक और पॉइंट है x2,y2। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसकी जो वैल्यू है वो है x2, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसकी जो वैल्यू है वो है y2। तो आपने मुझसे बोला कि x1 इसकी वैल्यू है और आपका x इसकी डायरेक्शन है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में x1, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में x2, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में y1 और वाई एक्सिस की ही डायरेक्शन में कौन है आपके पास y2। अगर आप इस a को इस b से ज्वाइन कर देते हो तो अब आपके पास में ये जो क्वांटिटी बनती है ए बी, तो देखो ये जो a पॉइंट है इसको मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो वो होंगे x1,y1। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बेटे अगर मैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो वो होंगे आपके पास x2,y2। अब देखो बेटे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट को अगर आप वेक्टर के टर्म्स में निकलना लिखना चाहते हो तो वेक्टर ओए, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को आप आई कैप बोल दो जिसके अंदर आप सिर्फ डायरेक्शन बताना चाहते हो, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को आप लोग जे कैप कह सकते हो। तो हमारे पास ये जो ओ ए वेक्टर होगा ये होगा आई डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना आपके पास x1, और प्लस जे डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कितना होगा आपके पास y1, मतलब वेक्टर वो चीज होगा जिसके पास एक वैल्यू होगी और एक डायरेक्शन होगी, या डायरेक्शन में क्या होगा आपके पास वैल्यू होगी। तो ये चीज हमारे पास वेक्टर बनाती है। अब देखो बेटे हमारे पास है ओ बी वेक्टर, तो ये हमारा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा x2 और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगा हमारा y2। तो बेटे ओ ए वैक्टर हो गया और आपका ओ बी वैक्टर। बेटे अगर मैं ए से बी जाता हूं तो मैं वैक्टर ए बी की बात करता हूँ। ए बी का मतलब है आगे वाला हेड है और पीछे वाला टेल। ए से टूवर्ड्स बी मतलब बी हेड है और ए आपके पास टेल है। तो अगर आप ए बी वेक्टर की बात करोगे तो उसके अंदर होगा हेड वाले वेक्टर में से आप टेल वाला वेक्टर माइनस कर दीजिए। तो हेड वाले में से टेल वाले को अगर आप माइनस करोगे तो ए बी बनेगा आपका आई डायरेक्शन में x2 - x1 और प्लस जे डायरेक्शन में आपका y2 - y1। अब इनको अगर आप सॉल्व करते हो x2 - x1 को और y2 - y1 को, तो बेटे आपके पास एक वैल्यू निकल कर आती है आई एक्सिस की डायरेक्शन में सपोज करो ए और जे की डायरेक्शन में कितना आपके पास में बी। मैं y2 - y1 की वैल्यू को बी सपोज करके चल रहा हूँ। अब बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस ए बी की वैल्यू बताओ तो आप मुझसे कहोगे कि सर अगर आप इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो वो फॉर्मूला बोलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपसे ये बताता है। तो यहां हमारे लिए समझने वाली बात ये है कि ये जो वेक्टर ए बी की वैल्यू है ये आई डायरेक्शन में जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट निकला है उसका स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट निकला है उसका स्क्वायर बन जाएगा। ए बी की वैल्यू आपको मिल गई।
अब हमने ये सीखा था कि अगर हम कभी भी किसी भी वेक्टर को निकालते हैं तो वो होता है उस वेक्टर की वैल्यू और उस वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर की कोई वैल्यू, जिसे हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो अगर मैं इस ए बी वेक्टर को इस ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कर दूं डिवाइड तो मुझे मिलती है ए बी की डायरेक्शन, जिसे हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब बेटे वेक्टर ए बी था आपके पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और वेक्टर ए बी की वैल्यू थी आपके पास रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है आपके पास ए बी के ऊपर कैप। तो मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर आपके पास सिर्फ यही है जिसके पास में एक मैग्नीट्यूड है और एक इसकी डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।